फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके एयरटेल सिम पर कोई इनकमिंग कॉल नहीं आ रही है? क्या आपके एयरटेल के सिम पर कोई कॉल कर रहा है तो आपके एयरटेल सिम पर इनकमिंग कॉल नहीं दिखा रहा है? तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, आज की इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। और फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, नहीं तो दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको नीचे के साइड में देखने को मिल जाता है एयरटेल का सिम। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि मेरा एयरटेल सिम है एक, और एक वीआई का है। तो दोस्तों, मैं एयरटेल वाले पे कॉल नहीं आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, यानी कि एयरटेल सिम वाले ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद दोस्तों, यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है परफेक्ट नेटवर्क टाइप का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आपका 4G 3G 5G होगा तो दोस्तों इस तरीके से आपको 2G कर लेना है। और 2G करने के बाद दोस्तों, थोड़ी देर बाद आपको परफेक्ट नेटवर्क टाइप पर क्लिक करके इसे आपको 5G 4G 3G 2G कर लेना है। अगर आपका 4G 3G 2G है तो आपको 4G 3G 2G वाले पर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक्सेस पॉइंट नेम्स का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आपका एयरटेल MMS पर हो गया होगा तो दोस्तों आपको एयरटेल इंटरनेट पर इस तरीके से टिक कर लेना है। अगर दोस्तों ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको रीसेट टू डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ऐसे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका सेटिंग APN फिर से क्लिक हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, आप पर कोई कॉल करेगा तो आराम से कॉल लग जाएगा और आपके स्मार्टफोन पर इनकमिंग कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा एयरटेल के सिम पर। उसके बाद दोस्तों, अगर इतना करने के बावजूद भी आपका ये प्रॉब्लम आपका फिक्स नहीं होता है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि दोस्तों, आपको यहां से अब बैक हो जाना है। और बैक होने के बाद दोस्तों, आपको अपने फोन को थोड़ी देर के लिए फ्लाइट मोड में कर लेना है। और फ्लाइट मोड में करने के बाद थोड़ी देर बाद आपको इसे फ्लाइट मोड से हटा देना है। उसके बाद दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपका फिक्स हो जाएगा, 100% आपका प्रॉब्लम फिक्स हो गया जाएगा। अगर आपके सिम में रिचार्ज नहीं होगा तभी आपका ये प्रॉब्लम आ सकता है। जैसा कि दोस्तों, कभी कभार क्या नहीं होता है कि आपके एयरटेल सिम में रिचार्ज ना होने के कारण आपका इनकमिंग कॉल भी बंद कर दिया जाता है, तो दोस्तों ये भी प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, आपको एयरटेल सिम का पहले तो रिचार्ज पता कर लेना है कि आपके एयरटेल सिम में रिचार्ज है या नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रही जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।